आज मैच हारा पाकिस्तान, आप बहुत अफसोस से लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर ये जिस मुल्क में इतने मसले हो, इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही हो, लोगों को रोटी पानी का मसला हो, उस मुल्क में जब आपको छोटी छोटी खुशियों की चीजें होती हैं ना, उनमें से क्रिकेट एक है, और इन्होंने आज इनकी वो क्रिकेट की खुशी ली। कसम वाली बात मैं आपको बताऊं, मुझे पता चला कल रात ये लोग बर्गर खाते रहे हैं, कल रात ये लोग पिज्जे खाते रहे हैं, इन्होंने क्रिकेट छुड़ाओ तो दंगल लड़वाओ, इनसे कहो दंगल लड़े, मतलब कोई फिटनेस कोई कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोग इनसे इतनी उम्मीदें बना के बैठे तो इन्होंने बर्गर खवाओ, इन्होंने लैके चलो लाहौर, उत्थे पराठे खवाओ, कढ़ाइयां खवाओ, इन्होंने टेढ़ा टे वड्डे कराओ, ये क्या हो रहा है इधर? हम इतना टाइम पैसा सब कुछ लगा के आते हैं, कोई फिटनेस का ख्याल नहीं यार भाई। जज्बा सिंसियरिटी होती है ना जब, तो आपको पता होता है मैंने कितना खाना है, कितनी कैलोरीज अंदर लेके जानी, कितनी मैंने ट्रेनिंग करनी है। आप रात को आइसक्रीम खा रहे हो, मजाक हो रहा है? लेकिन मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। 119 तक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है, नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, मेरी बात, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इनको सपोर्ट करने आते हैं। फ्रांस के बारे में क्या कहेंगे फैसले जो गलत, फ्रांस साहब नु कौन नींद दी गोलियां खान, वो पीछे बह गया नहीं यार, नहीं ऐसे नहीं, देखो रिस्पेक्ट के एलिमेंट में रह के अपने प्लेयर्स को हमने क्रिटिसाइज करना है, हमने उनको कोई डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करनी, हमने उनको सरफराज ने बेसिकली धोखा दे दिया, उससे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन मेरे हिसाब से सरफराज साहब को लीडरशिप वेखो, को पता है की करना है की नहीं करना, बैटिंग करनी बॉलिंग करनी है, मौसम है की है, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप नहीं नहीं जज्बाती ना।